पश्चिम चंपारण में लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। स्वर्गीय रामविलास पासवान के द्वारा बनाया लोक जनशक्ति पार्टी अपने कार्यकाल पार्टी को नया नाम देकर एक मिसाल कायम किया है और आज इसी को लेकर पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला से क्षेत्र कैलाश नगर रोड स्थित नारायणपुर सरकारी स्कूल के बगल में लोक जनशक्ति पार्टी का 23वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता दीपक कुमार मलाकार जिलाध्यक्ष लोजपा कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष दीपक कुमार मलाकार ने बताया कि आज लोक जनशक्ति पार्टी अपना 23वां स्थापना दिवस मनाने के साथ ही मुख्य अतिथि राजू तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष अशोक मिश्रा, प्रदेश सचिव सह जिला प्रभारी का आगमन हुआ है। मंच संचालन अनिल पासी करने के साथ ही सर्वप्रथम अशोक मिश्रा ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के प्रतिमा को फूलमाला पहनाकर याद किया गया। स्थापना दिवस के पावन अवसर पर मुख्य अतिथि अशोक मिश्रा, प्रदेश सचिव सह जिला प्रभारी बघा एवं जिलाध्यक्ष दीपक कुमार मलाकार जी उपस्थित रहेंगे तथा उनकी गरिमामय उपस्थिति में बहुत ही धूमधाम से स्थापना दिवस मनाते हुए दीपक कुमार मलाकार ने स्थापना दिवस के अवसर पर आज सैकड़ों की संख्या में पार्टी में मौजूद रहे। स्थापना दिवस के अवसर पर कई कार्यकर्ता धीरज उपाध्याय, मोतीलाल प्रसाद आदि मौजूद रहे। जो आम जनमानस के बीच रहता, जो दुख दुखियों का दुख समझता है, गरीबों का हमदर्द, और चाहे जो आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जी